नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल। तो दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल आपने देखा कि किस तरह से आप अब आधार को बड़ी इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आधार ने एक नया पोर्टल अभी लॉन्च किया है दोस्तों। जो अभी पुराना पोर्टल था उसमें दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम आती थी, आप उसमें अगर आधार डाउनलोड करते थे तो बहुत सी समस्या आती थी, बहुत उसमें टिपिकल था बहुत ही डाउनलोड करना। लेकिन दोस्तों अब आधार की सेवाएं दोस्तों एक नया पोर्टल लॉन्च हो गया है, उस पोर्टल में सभी सेवाएं आप इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे तो आपको मैं अभी लाइव दिखाता हूं और आपको सीधे लेके चलता हूं। अभी आधार की दोस्तों अभी पुरानी वाली साइड है वो आप अभी मैं दिखा रहा हूं, साइड में आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। जो दोस्तों आधार की पुरानी साइड थी तो उसमें आप जब कहीं भी जैसे लोकेट सेंटर, बुक अपॉइंटमेंट या आप आधार डाउनलोड करते थे तो उसमें बहुत ही टिपिकल तरीके से उस आपको डाउनलोड करने का सिस्टम मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि हम चलते हैं अभी नए पोर्टल पे। आधार का जो नया पोर्टल है वो इस तरह का कुछ दिखता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है डाउनलोड आधार, आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मिल जाता है यहाँ से, अगर आप आपका आधार कार्ड से आप अपना PVC में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप उसमें ऑर्डर PVC भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप PVC करा देते हैं तो उसका स्टेटस भी आप ऑनलाइन यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड दोस्तों अपडेट के लिए यहाँ से डाल सकते हैं और अपने किसी भी जो दोस्तों सेंटर है वो आप दे सकते हैं लोकेट सेंटर। तो दोस्तों जैसा आपके पास में इनरोलमेंट सेंटर है आधार का तो आप वहाँ से इसमें की लोकेशन पता लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर जो आधार सेंटर है वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना होता है तो आप अपना यहाँ से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नया प्रोसीजर यहाँ पे मिल जाता है रिट्रीव लूस्ट फॉरगेट EID। अगर आप अपना दोस्तों आधार नंबर भूल चुके हैं तो आप यहाँ से अपना आधार नंबर भी निकाल सकते हैं, बस आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू अपना आधार नंबर या अपना दोस्तों EID या आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय एक पर्ची पे जो दोस्तों EID नंबर होता है वो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद अपना वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आप दोस्तों भूल चुके हैं कि आपके आधार नंबर पर कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से आराम से उसे चेक कर सकते हैं और उसे चेक करने के बाद उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके आप जो आधार कार्ड है उसमें कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। उसके बाद आप यहाँ से अपनी BID भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आधार नंबर जो दोस्तों है 12 अंक का होता है लेकिन BID जो दोस्तों वो 16 अंक की नहीं है, आधार के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और यहाँ से अपनी BID को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है लॉक एंड अनलॉक आधार। या दोस्तों अपनी आधार की आप बायोमेट्रिक को अगर लॉक करना चाहते हैं या अनलॉक करना चाहते हैं, आपने लॉक कर रखी है तो आप वो भी यहाँ से बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, आप लॉगिन बटन पर टाइप कर लेना है। लॉगिन बटन पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है कैप्चा कोड, तो यहाँ पर कैप्चा कोड भी मैं डाल देता हूँ। और दोस्तों आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल लेने के बाद आपको कर देना है सेंड OTP पर क्लिक। दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दिएगा, साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कर दिएगा सब्सक्राइब, साथ में वालेगा बेल आइकन भी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।